दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल हो गया है और आपने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया है, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही वोटर कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर ही बता देता हूँ। दोस्तों, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको NVSP लिख के सर्च कर देना है। जी हाँ दोस्तों, NVSP.IN लिख के सर्च करोगे तो आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाओगे। आप यहाँ पे ऊपर पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं NVSP.IN पे जब आप क्लिक करोगे तो सीधा ये पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा, यानी कि वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो होता है, भारत सरकार का ये पोर्टल है, ये आप लोगों के सामने आ जाएगा खुल के। अब यहाँ दोस्तों, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी ऑन है, तो दोस्तों कुछ आप लोगों का लेआउट अच्छा दिखेगा इसलिए मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा है। अब चलिए, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ऑप्शन आपको मिल रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर का, तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे आप आइएगा, यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एस ए न्यू यूजर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालना है और OTP आपके पास आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से वोटर आईडी है तो आई हैव ईपिक यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आपको पहले ऑप्शन पे जाना है। और अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल दूसरे ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि आपके पास वोटर कार्ड नहीं होगा तो उसका नंबर आप यहाँ पर क्यों नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको टिक पर क्लिक करना है, और जो ये नीचे जो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है पासवर्ड, ईमेल आईडी और ईपिक नंबर आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा तो ईपिक नंबर आपको नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ईमेल आईडी भरने के बाद बस आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो मैंने ये काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है, तो चलिए मैं बैक हो जाता हूँ और सीधा मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर यूजर नेम मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा मैं सही से भर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर। मैं सक्सेसफुल कुछ नहीं करना है, बस आपको इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म दिए जा रहे हैं, और तो आपको जो नया आवेदन करना है उसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 6 का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, देखिए। तो आपको इस फॉर्म 6 के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जब आप फॉर्म 6, तो आप लोगों के सामने फॉर्म 6 पूरी आप लोगों को ओपन हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं ये फॉर्म आपको पूरा अभी भरना है। कैसे आप भर सकते हैं इसका भी मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, हर ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। ऊपर में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर दीजिए। मैं इंग्लिश हिंदी ही छोड़ देता हूँ क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी ही पसंद करते हैं। आपको यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका स्टेट है, राज्य है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा झारखंड है तो मैंने झारखंड सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जिला यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका जिला जो भी है यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सिंपल यहाँ पर आपका क्षेत्र किस निर्वाचन क्षेत्र आता है यानी कि विधानसभा क्षेत्र जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मत छिड़काने की जगह जो है उसे रहने दीजिए। मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम को पूर्वोत्तर सभी क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाए। तो पहली बार मतदाता यानी कि नया बना रहे तो आपको ऊपर वाला ही छोड़ देना है। सिंपल यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका नाम अपना जो लिखना है तो आपको ऊपर में आप इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, नीचे आपका हिंदी अपने आप आ जाएगा। उपनाम है तो उपनाम भरिएगा, उपनाम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। तो बस दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को भर के तुरंत दिखाता हूँ। तो मैंने अपना नाम लिख दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिसके आगे स्टार यानी कि रेड कलर का स्टार रहेगा उसी फॉर्म को आप भरिएगा, सभी को भरना ज़रूरी नहीं है। तो एक बात पर आपको ध्यान ये भी देना है कि जिसके आगे स्टार लगा हुआ रहेगा लाल कलर का उसको आपको भरना है। यहाँ पर उपनाम पूछ रहा है तो मेरा कोई उपनाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के नातेदार का नाम, तो यहाँ पे आप अपना फादर नाम या मदर नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फादर नाम यहाँ पे मैं डाल दिया, तो आप जो भी आपका विचार लगे वो आप यहाँ पे डायल कर दीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नातेदार का किस्म पूछ रहा है कि आप ऊपर जो नाम डाले हैं वो क्या है। तो यहाँ पे आप फादर चूज कीजिएगा, अगर आप माता का नाम डाले हैं ऊपर में तो आप डेट ऑफ बर्थ दे देना है। तो यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं, नीचे आपको पूरा पूरी देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टिक आपको नहीं करना है बल्कि यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे टिक करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा सच सच यहाँ पे क्लिक करके आप भर दीजिएगा। यहाँ पे कैलेंडर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे भरने के बाद आपको पूरा यहाँ पे जो भी आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा वहाँ पे आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थडे है, जन्म तिथि है, वो यहाँ पे डाल कर दीजिएगा, यानी कि लिख दीजिएगा। उसके बाद आवेदक का लिंक पूछ रहा है, तो आप मेल है या फीमेल है, वो भी यहाँ पे मेल में सेलेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता, अगर आप जहाँ आप अभी रह रहे हैं तो अपना स्टेट का नाम डालिएगा, अपना जिला का नाम डालिएगा, और गृह संख्या में यानी मकान संख्या। उसके नीचे पे आइएगा तो गली क्षेत्र में आप अपना विलेज का नाम डाल सकते हैं, अगर आपका कोई मकान संख्या नाम है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राम शहर ग्राम में आप अपना गाँव का नाम लिख दीजिए, जहाँ का आप रहने वाले हो गाँव का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद डाकघर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस का नाम ऊपर में आप इंग्लिश में लिखिएगा और हिंदी आपका अपने आप आ जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपको ये फॉर्म भरते समय मिस्टेक आ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊपर में जो आप टाइप कीजिएगा वो नीचे यानी कि गलत हो जाता है, यानी कि नीचे आपका जो मतलब कि हिंदी कभी कभी कन्वर्ट नहीं कोड है वो सही से यहाँ पे भरिएगा। आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखते रहिए, और पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत का जो फल है वो आपके लाइक पर ही है, तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद गृह संख्या में आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में जहाँ में आपको पूछा जा रहा है कि आवेदक का अस्थायी पता, यानी कि आपको यहाँ पे जहाँ पे जन्म हुआ है वो अस्थायी पता देना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा जानकारी आपको पूरा भरना नहीं है, क्योंकि अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको अगर आप टिक कर देते हो तो आपको ऊपर जो एड्रेस भरे हो वो एड्रेस आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि भर के आ जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर ऊपर ऊपर जो एड्रेस मैं यहाँ पर लिखा हूँ वर्तमान एड्रेस में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरा जन्म हुआ, यानी कि मैं कहीं दूसरे जगह पर रहता ही नहीं हूँ। तो अगर आपका अलग है तो आप अलग एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, मेरा सेम एड्रेस है, यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है मैं वहीं पर रहता हूँ। और अगर आप अलग रहते हैं तो वहाँ पर अलग का यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अस्थायी पता यहाँ पर डालना पड़ेगा, और ऊपर में आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में उसका एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैं सेम जगह पर रहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर टिक कर दिया हूँ, ताकि मेरा जो ऊपर एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाए, मुझे दोबारा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नीचे आता हूँ, जो जानकारी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एपिक नंबर पूछा जा रहा है, अपने फैमिली का अगर किसी का वोटर आईडी पहले से बना हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं इसके आगे स्टार भी नहीं बना हुआ है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वैकल्पिक ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आप छोड़ सकते हैं, इसे खाली छोड़ सकते हैं, तो मैं इसे खाली छोड़ सकता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, लेकिन ये वैकल्पिक आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, वैकल्पिक आप डाल सकते हैं और ना छोड़ भी सकते हैं। तो अच्छा है कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पास है। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सहायक दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक कीजिएगा, और आपका जो भी फ़ोटो है आपके गैलरी में जो भी फ़ोटो है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल आप लोग देख पा रहे हैं मेरा अपलोड हो चुका है, फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे वाई प्रमाण पत्र पे आप चूज पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी आपका गैलरी है पैन कार्ड आप दे सकते हैं, और पैन कार्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो नीचे यहाँ पर दस्तावेज के प्रकार में आपको यहाँ पर पैन कार्ड चूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ, और सिंपल मेरे गैलरी में जो मेरा पैन कार्ड भरा रखा हुआ है मैं इस पैन कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरा पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पता प्रमाण में आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है, यानी कि राशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी दे सकते हैं, यानी कि फ़ोटो खींच कर दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल है। तो मैं यहाँ पर बैंक का पासबुक यहाँ पर चूज पर क्लिक करके मैं बैंक का पासबुक अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया अपना, उसके बाद पैन कार्ड अपलोड किया अपना, उसके बाद जो मेरा बैंक का पासबुक है वो मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ। और दस्तावेज के प्रकार में आपको जो वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो आपने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया है। मान लीजिए मैं बैंक का पासबुक अपलोड किया हूँ, तो मैं यहाँ पे बैंक का यहाँ पे आपको अपना जो अपना जहाँ पर रहते हैं उसका शहर ग्राम में अपना गाँव का नाम लिख दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट अपना स्टेट है तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना ज़िला का नाम पूछा जा रहा था, अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ पे जन्म लिया, मैं वहीं पे वहीं हूँ, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया। अगर आप अलग जगह रहते हैं तो जब से आप रह रहे हैं वहाँ उसका डेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों बस नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको स्थान में या प्लेस में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने विलेज का नाम जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और फाइनली दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको सही से ये जो कैप्चा भरा हुआ है ये कैप्चा को यहाँ पे आपको सही से भरना है तभी ये सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप सही से देख लीजिए कहीं आपने गड़बड़ किया है या सही जानकारी आपने भरे हैं। अगर एरर आ जाता है तो आपको रेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने सही जानकारी भरे हुए हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सबमिट पे चलिए मैं क्लिक करके आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए मैं नीचे आता हूँ, सबसे नीचे आपको सबमिट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है तो आपको इस सबमिट के ऊपर ही क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों आप लोगों का फॉर्म सबमिटेड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर रेफरेंस आई डी दिया जा रहा है तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि आप इसका ट्रैक स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई डी कार्ड कब बनेगा, कितना दिन तक से बनेगा। तो जो आपका अप्लीकेशन जो सबमिट हुआ है उसे आप पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ तक आपका काम हुआ है, कहाँ उसका जो स्टेटस है वो बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो जो वहाँ पे आपको नंबर दिया गया था रेफरेंस नंबर उसको आपको सबसे पहले कॉपी करना है। और चलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना जब आपको SMS पे भेजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको वो पेस्ट कर देना जो नंबर आपको दिया गया था SMS में, या तो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका सबमिटेड एप्लीकेशन हो चुका है। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको बताना चाहूँगा वोटर आईडी कंप्लीट होने के लिए 3-4 महीने का समय लगता है, यानी कि इसके लिए ज़्यादा प्रोसेस प्रक्रिया होना पड़ता है। BOL के पास जाता है, वेरीफाई होता है, उसके बाद आपका कंप्लीट अगर सही जानकारी रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, वरना रिजेक्टेड भी हो सकता है। आप लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं नीचे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आप लोगों को बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप घर बैठे वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप देखा दोस्तों कितना आसान है वोटर आईडी कार्ड बनाना, आप अपने फ़ोन से ही वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। कहीं पे आपको जाना नहीं है, किसी मुखिया या किसी सरपंच को पकड़ना नहीं है, किसी ग्राम प्रधान को पकड़ना नहीं है, आप खुद अपने फ़ोन से यहाँ अपना वोटर आईडी कार्ड बनाए, वही हमारे लिए फल है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।